अगर आपको ऑडियो एडिट करने में और इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है और आपके पास पीसी भी नहीं है, देन मोबाइल फ़ोन से कैसे करें, तो भाई उसके लिए है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसको आप पहले से ही जानते होंगे, बट इस वीडियो में जैसे आप जानने वाले हो वो शायद अलग होगा। तो शुरू करें। देखो, ये है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसी से हम अभी अपने ऑडियो को एडिट करके आपको दिखाएंगे। पिछले वीडियो में जैसे मैंने प्रीमियर प्रो से एडिट करा था और ऐसी क्वालिटी गेन करी थी, वैसे ही हम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है। अब आ जाते हैं ऐप पे और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी कैसे गेन करें बताता हूँ। जैसे हमने प्रीमियर प्रो पे 3 स्टेप्स में ऑडियो क्वालिटी को कुछ ऐसा करा था, वैसे ही हम अपने मोबाइल फोन से 3 स्टेप्स में ऐसी ऑडियो क्वालिटी गेन करेंगे। कैसे? तो वहां पे जो 3 स्टेप्स हैं वो है फर्स्ट नॉइज रिडक्शन, सेकंड कंप्रेसर, थर्ड इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर। यहाँ पे जो तीनों इफेक्ट्स अप्लाई होने के बाद जो ऑडियो क्वालिटी हमें मिलेगी वो यार तबाही होगी। तो ये हमारा लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ओपन पे क्लिक करते हैं, अपने फाइल को ऐड करते हैं। जैसे कि मेरा ये ऑडियो फाइल है, अब यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। सिंपली मुझे क्या करना है, देन यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब भी कोई ऑडियो को अगर आप ऐड करते हो एडिट करने के लिए, तो सबसे पहले उसे नॉर्मलाइज करना, ध्यान रखना ये बात। अब क्या होता है कि हमें 3 इफेक्ट्स अप्लाई करने होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले करते हैं नॉइस रिडक्शन। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स देख सकते हो, थ्रेशोल्ड हमारा, रेट हमारा, अटैक एंड रिलीज, ये मेरे हिसाब से है क्योंकि ये मेरा माइक का ऑडियो है। अब यहाँ पे इसे आप प्ले करके भी सुन सकते हो कि ये डिनॉइज होने के बाद कैसा सुनाई देता है डायरेक्टली, और आपको फिर कुछ अगर एडजस्ट करना रहा तो वो भी करके आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपली अप्लाई पे क्लिक करो, ये हो जाएगा। फिर से ट्रिपल डॉट इफेक्ट पे जाना है और हमें चूज करना है कंप्रेसर, जहां से हम अपने आवाज में थोड़ा सा भारीपन और थोड़ा सा लाउडनेस लाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जो थ्रेशोल्ड है हमारा -28 dB है, रेट हमारा 10.8:1 है, और अटैक एंड रिलीज आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली जो मेकअप गेन है हमारा वो +18 dB है। ये मेरे बोया के MM1 माइक की सेटिंग्स है जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। यहाँ पे भी इसे आप प्ले करके सुन सकते हो कि आप कौन से सेटिंग्स क्या इंक्रीज करो कि जो आपका ऑडियो है वो बेटर हो जाए। तो भाई ये आपकी माइक की ऑडियो पे डिपेंड करता है, तो आपको इसे खुद से छेड़ना पड़ेगा, और छेड़ने के बाद जैसे आपको ऑडियो क्वालिटी समझ में आती है अप्लाई कर दो सीधा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने म्यूजिक प्ले करा होगा इक्वलाइजर से पहले, हेडफोन्स में थोड़ा सा बेस बढ़ाया होगा, ट्रेबल कम किया होगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने वॉइस को भी टोन कर सकते हो इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर की मदद से। तो यहाँ पे देखो, मेरे जो सेटिंग्स है बोया के MM1 माइक की वो यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स हैं उन्हें अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपको बेस और थोड़ा सा भारीपन मिलेगा आपकी आवाज में, और जो राइट के 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं उससे आप थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा सकते हो, और मिडिल वाले से आप थोड़ा सा लाउडनेस कम, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको खुद से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके माइक के हिसाब से कौन सी सेटिंग्स ज्यादा अच्छी लग रही है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई करा, और जो हमारा वॉइस है वो आप एक बार सुन के देखो। बहुत टाइम से पब्लिक डिमांड थी कि भाई आप जैसे अपने वीडियोस में ऑडियो एडिट करके डालते हो यार, वैसी ऑडियो क्वालिटी हम अपने मोबाइल फोन से कैसे लाएं अपने वीडियोस के लिए। तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन से ऐसी ऑडियो क्वालिटी गेन कर सकते हो, बस ऐसे। तो यार उसी के लिए लाइक कर देना इस वीडियो को, और ऐसे वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, और घंटे वाले बटन को तो भाई दबाना जोर से। Thank you.